हाँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो है लगभग इसका, और वो है बेटा ऑफ बो प्रिंसिपल। पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ बो प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट लगा देते हैं पहले। और ऑफ बो प्रिंसिपल हमें सिखाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो फील करते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील करते हैं बेटा। तो ऑफ बो क्या है? ऑफ बो इज ए जर्मन वर्ड, आप लिखेंगे। ऑफ बो इज ए जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब है इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं अंदर, खाली डब्बे हो ना उनको बोलते हैं ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं कैसे वो सीख जाएंगे। बिल्डिंग अप ऑर्बिटल्स मींस फिलिंग अप ऑर्बिटल्स। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल या दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स में उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है उसके सीक्वेंस में भरे जाएंगे। और एनर्जी को कौन बताएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का आपको क्या पता चलेगा? तो इसके अंदर तीन रूल आएंगे, उसको मिला करके ऑफ बो प्रिंसिपल बनेगा। तो ऑफ बो प्रिंसिपल एक जर्मन वर्ड है, इसके अंदर तीन प्रिंसिपल पढ़ने हैं, तीन रूल्स पढ़ने हैं। हाँ बेटा, तो ऑफ बो प्रिंसिपल में तीन रूल में कौन कौन से तीन रूल है बेटा? तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाना है और लिखना है। पहला है एन प्लस एल रूल। सब जानते हो n प्लस एल का मीनिंग। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनका एड्स, ठीक है ना। n प्लस एल रूल है, फर्स्ट रूल है जो एनर्जी को दिखाएगा। आप बहुत बढ़िया चीज सीखेंगे इससे, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीख जाएंगे बेटा। दूसरा रूल पढ़ेंगे पाउलीज रूल। पूरा नाम भले आपने को बाकी शॉर्ट में इसको पाउली रूल बोलते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बेटा। ये हमें क्या सिखाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल या कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कैसे भरने हैं, वो सब सिखा देगा। और तीसरा है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुंस रूल के नाम से जाना जाता है। ये तीनों में से एग्जाम में कंफर्म, कोई कहता ना मुझे कि हमारे टेस्ट में क्या आएगा, हमको क्या इंपॉर्टेंट क्या है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में आने लायक है, हर एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कौन सा एन प्लस एल रूल। ये रूल हमें क्या बताता है बेटा? ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बताता है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है, और इसका जो सम देखना है। तो एन प्लस एल रूल बहुत आसान रूल है बेटा। एन प्लस एल रूल शुरू करेंगे सबसे पहले। तो ये रूल कहता है कि जिसके एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा, उसमें प्रवेश करेगा, उसमें जाएगा जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम हो। और यदि दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू बराबर आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें भर जाएगा जिसमें n प्लस एल में से n कम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो। बहुत सिंपल रूल है। तो क्या है स्टेटमेंट, क्या है इसका? तो आप इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट मेरे साथ साथ लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज लेस, कम वैल्यू लेस फॉर ऑर्बिटल देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज लेस एंड इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट ऑर्बिटल विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू लोअर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और यदि सेम आ जाए तो फिर उसमें जाएगा जिसके लिए एन की वैल्यू देखनी। फिर यदि दोनों सेम आ जाए, दो ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल वैल्यू सेम आ जाएगी तो फिर एन में एंट्री करेगा। व्हेन वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज सेम फॉर टू एंड मोर देन टू ऑर्बिटल्स देन इलेक्ट्रॉन
एंटर एंटर इन दैट सेल विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ एन लोअर वैल्यू ऑफ एन। ठीक है बेटा, जब दो बराबर एन प्लस एल आ जाए तो फिर एन देखना है जिसकी लोअर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यानी एन प्लस एल की वैल्यू देख लो वो एनर्जी को दिखाता है, या ऊपर ही लिख देता हूं। ठीक है ना, एन प्लस एल क्या दिखाता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या दिखाता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आपको कौन दिखाता है, एन प्लस एल रूल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूं समझ में नहीं आएगा, प्रूव कर देते हैं, इजी है देखिए, और इससे आपको फायदा क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना जो सिखाया था मैंने वो 1s और 2s, पहले दिन आप जब ट्यूशन आते हैं स्टार्टिंग में बच्चों को लिखवाते हैं, 9th 10th में भी कोशिश करते हैं टीचर हटाने की, नहीं अब वो बात समझ में आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट था, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज लेस, ठीक है ना, फॉर ऑर्बिटल देन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज लेस, जिसके लिए एन प्लस एल कम है उसकी एनर्जी भी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसी में जाता है फिर, देन इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट ऑर्बिटल विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, तो जिसकी लोअर वैल्यू उसमें जाता है, व्हेन वैल्यू ऑफ एन प्लस एल सेम फॉर टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स, दो के लिए या तीन के लिए एन प्लस एल सेम आ जाए ऑर्बिटल, देन इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट सेल विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ एन, लोअर वैल्यू ऑफ एन देखनी कैसे, इसको प्रूव कैसे करोगे, देखिए एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल देखने से ही समझ में आ जाएगा इजीली। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इधर बहुत सिंपल है, अब कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल है ये आपको पता है कि जैसे सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल लेता है अपन, 1s, कौन सा लेता है 1s, फिर 2s, 2p, 2d क्यों नहीं लिया, 2d होता ही नहीं, प्रूव करवाया था मैंने 2d क्यों नहीं होता रहे, कि सर n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू भी 2, ये d की, तो बाप बेटे बराबर होते हैं क्या, पापा जी और बेटे कभी बराबर नहीं होते, आप कलेक्टर बन जाओगे तो अपने पापा से ऊपर नहीं हो सकते, बस सिंपल सी बात है कि एल की 2 कैसे हो सकता है, तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है ना, तो 2d अपन जो होता है वही लिखा है अपन ने, तो पहले तो ये सीख गए कौन कौन से है, फिर आएगा 3s 3p 3d 4s 4p, बहुत है, आप कुछ मत करो, इनके एन की वैल्यू बतानी है और एल की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एन प्लस एल रूल में एन प्लस एल तो आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, जिस टाबरिये को एन और एल लिखना ही नहीं आता है तो फिर उसके कैसे होगा रे, एन क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नंबर लगा हुआ 1, इसका यह 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 3, ये 4, ये 4, ठीक है ना। एल क्या होता है, सब सेल को दिखाता है, एस है तो क्या होगा, एस है तो 0 एल की वैल्यू, एस है तो 0, पी है तो क्या हो गया 1, एस है तो क्या हो गया 0, पी है तो क्या हो गया 1, डी है तो 2, एस है तो 0, पी है तो 1, और एन प्लस एल कर लो, एन प्लस एल जोड़ दो आप, एन प्लस एल, ठीक है ना, एन प्लस एल कर लेते हैं जो, तो बहुत ही आसानी से आपके इसमें पता चल जाएगा, जोड़ो दोनों को, इसको जोड़ा 1, ये 2, 2 और 1 ये 3, ये 3, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5, हाँ साहब क्या रूल है कि इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा जिसमें एन प्लस एल सबसे कम होना चाहिए, एन प्लस एल सबसे कम किसका है, ये रहा, तो पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, सबसे कम एनर्जी वाले में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, सबसे कम एनर्जी, उसके बाद एनर्जी की एन प्लस एल ये रहा, ये 2, 2 किसके लिए, 2s में जाएगा, फिर सेम आ जाती है, याद करो जब दो के लिए सेम वैल्यू आ जाए तो किसमें इलेक्ट्रॉन जाओ भेजोगे, फिर एन देख लो, यहाँ तीन तीन सेम है तो यहाँ देख लो एन की वैल्यू कम होनी चाहिए, और वो है बेटा 2p, तो इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर किसमें जाएगा 3s में, ठीक है ना, 3s ये रहा, 3s की वैल्यू 3 और ये, उसके बाद है 4 और 4, दो दो आ गए सेम वैल्यू, तो पहले किसमें जाएगा, इसके लिए 3d, ये 3p, उसके बाद में क्या आएगा बेटा 4s, 3 तो p, 3p बाद ये 4, ये आ गया आपके 4s, उसके बाद में 3d, तो 3d में इलेक्ट्रॉन देखो 4 पहले आ गया, 3d बाद में आया क्योंकि इसकी 5 वैल्यू, 5 वाला बड़ी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पहले कम वाले में जाता है, तो ये जो अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अपन बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे, पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं।
और आपको ये तो पता नहीं होगा लेकिन एक डायग्राम आपकी आपको जो पहले बनवाया था आपकी सबकी नोटबुक में बना हुआ है और वो डायग्राम भी इसी से बना था। तो पहले जो रटवाया था रटने की जरूरत नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। तो काटने वाला डायग्राम है वो भी एन प्लस एल रूल ही तो है और क्या है, तो इससे समझ में नहीं आया तो फिर ये वाला डायग्राम बना दो। ये भी एन प्लस एल रूल को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है ऑर्बिटल्स की, तो एनर्जियां आपको पता चल जाएगी। और वो डायग्राम क्या है याद दिला देता हूं आपको, वही वाला डायग्राम 1s सेकेंड ऑर्बिटल कौन कौन सबसे, 2s 2p पॉसिबल ले लेते हैं, फिर 3s 3p 3d 3f क्यों लिखा होता नहीं है, चेक कर लेना आप क्वांटम नंबर से पता चल जाता है। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f बहुत है। हाँ पहला इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है 1s में, उसके बाद में क्या सिखाता पीछे जाओ ऐसे, फिर 2s में है ना, फिर वापस पीछे चलो ऐसे 2p 3s में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसके बाद में आप पीछे चलो 3p 4s और पीछे चलो 3d 4p 5s, तो अपना पता चलता है। ये जो डायग्राम है इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो तरीका सिखाता है चेक कर लो, देखो पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3s 2p 3s फिर 3p 4s 3p 4s ये 3d 4p 5s 3d के बाद 4p आएगा 5s आएगा, आराम से पता चलता है। तो ये जो डायग्राम आपको पहले सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना वो यहीं से सिखाया था, और ये आप नीचे लिख सकते हैं एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग है ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल दिखानी हो तो यही है, तो आप यहां लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ तो आप आराम से जमा सकते हो। तो यह है बच्चों एन प्लस एल रूल। अब पढ़ेंगे पाउलीज रूल। हाँ बेटा एन प्लस एल रूल के बाद नया रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली बहुत स्टेटमेंट बहुत शानदार स्टेटमेंट है, क्या कहता है देखिए और समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, एक डिब्बे में दो इलेक्ट्रॉन ही भरते हो आप ध्यान रखना, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, जो दो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे वो भी अपोजिट स्पिन के फिल किए जाएंगे। कि कैसा क्या मतलब है, ये होता है एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में आप यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक सीधा भरोगे तो हमेशा एक उल्टा भरोगे, ये तो है राइट है करेक्ट, ये तो क्या है करेक्ट, ये तो राइट है। और कोई बच्चा यदि एक इलेक्ट्रॉन में दो जो स्पिन है सेम स्पिन के बना दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग, ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एंटी स्पिन के उल्टे भरते हैं, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट और भी बना सकते हैं बेटा कि दोनों सीधे नहीं, सही बात है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है ना बेटा, दोनों हेड हेड पास होंगे तो ज्यादा रिपेल करेंगे, और उल्टा होगा तो ये थोड़ा स्टेबल भी रहता है कि दो इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, एक सीधा स्पिन करवाओगे तो एक का उल्टा करवाना है। या फिर इसका एक स्टेटमेंट और बना सकता हूं कि एक ऑर्बिटल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए इसका नाम दे दो आप ए और इसका नाम दे दो बी, वो हमेशा एंटी स्पिन के भरे जाएंगे, यानी उनकी चारों क्वांटम नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकती। मान लीजिए ये एक डिब्बा है, इसका है बेटा 2s, जिसकी चारों क्वांटम नंबर देखना एन एल एम एस, चारों क्वांटम नंबर इक्वल कभी नहीं हो सकती, देखते हैं एन एल एम इक्वल हो जाएगी फिर एस तो कभी इक्वल होगी नहीं, ठीक है ना, क्यों नहीं होगी देखते हैं। कि मान लीजिए इसको अपन दे देते हैं ए और इलेक्ट्रॉन और इसको दे देते बी, तो फॉर ए इलेक्ट्रॉन ए के लिए वैल्यू एन की वैल्यू क्या है 2 है, 2s है तो 2 हो गई, एस है तो एल की वैल्यू क्या आएगी 0, और एम भाई साहब इस पर डिपेंड करते हैं एल 0 तो एम भी 0, और एस है तो पहला प्लस हाफ है, पहले इसके लिए प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए माइनस हाफ हो जाएगी बच्चों, चारों क्वांटम नंबर फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन फॉर बी इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एन का है डिब्बा वही है 2 एल 0 एम 0, लेकिन एस क्या होगी माइनस हाफ होगी,
तीन क्वांटम नंबर इक्वल हो सकती है लेकिन चौथी क्वांटम नंबर तो इक्वल नहीं हो सकती कभी। तो एक स्टेटमेंट, ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, लेकिन इससे भी बेस्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा? फॉर अकॉर्डिंग टू पाउली रूल द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्वल, कभी इक्वल नहीं होगी। व्हेन द एन एल एम आर इक्वल देन एस इज ऑलवेज डिफरेंट, वो s प्लस हाफ होगी तो एक की क्या होगी माइनस हाफ, दोनों सीधे हो जाएंगे तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूम रहा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, ठीक है बेटा। तो ऐसे कभी नहीं होगा, यानी हमेशा ध्यान रखना एक डिब्बे के अंदर, बहुत सिंपल अपनी लैंग्वेज में एक लाइन में आंसर यही है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कभी सीधे मत भरना, एक सीधा एक उल्टा हो जाएगा जरूर। ये राइट चीज है, ये भी करेक्ट है, कोई बच्चा पहला उल्टा भर देता बाद में सीधा, ये भी राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे किसी ने फील कर दिए सेम स्पिन के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ने। तो एक स्टेटमेंट और जो आपको मैंने बोल के बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख दें कि फोर क्वांटम नंबर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, व्हेन एन प्लस एल एम इक्वल देन एस इज ऑलवेज डिफरेंट, ये है पाउली रूल, बहुत सिंपल है, नहीं तो इतना सही आप लिख देंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, हुंड्स रूल ऑफ द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। प्यारे बच्चों तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हुंड्स रूल। ये जो बताता है बेटा, ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल जो सात सात डिब्बे होते हैं ना एक एनर्जी वाले, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं वो सिखाता है। तो इसका नाम है हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि अपन एक में और दूसरा इलेक्ट्रॉन कब आएगा, एक तो भर लेंगे लेकिन दूसरा कब भरना है वो चीज सिखाता है। तो बहुत ही पहले ये सारा लिख लेते हैं, सारा लिखने के बाद समझना बहुत आसान है, एक बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा, लेकिन पहले आप स्टेटमेंट नोट करते हैं। क्या कह रहा है, हुंड्स रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो पहला एक नया वर्ड आया है, व्हाट इज द डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। इक्वल मतलब ये डब्बे बनाते हो ना साथ साथ, जैसे पी के डब्बे बनाओगे तो तीन बनाओगे, क्यों बनाओगे बताओ, ये पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल एक के साथ साथ है, ये होता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल पी एक्स वाई, ठीक है ना। इसी तरह से डी के डिब्बे बनाओगे पांच ऑर्बिटल्स बनाओगे डी एक्स वाई डी वाई जेड, तो ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ये जो डिब्बे बनाते हैं ना ये। तो ये कह रहा है कि इनमें सेम एनर्जी वाले में आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, तो बहुत सिंपल बात है, ये कहता है कि सब में पहले एक एक भरो इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग करो, जोड़े बनाओ, पेयरिंग मतलब जोड़े बनाने, बहुत सिंपल रूल है। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पी और डी और एफ में जो पेयरिंग करोगे, कैन नॉट अकर्स अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन सबसेल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन Each और singly occupy, कि जब तक सब ऑर्बिटल में सब यानी इक्वल एनर्जी वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, उससे पहले पेयरिंग नहीं करनी है, उससे पहले जोड़े नहीं बनाना है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो फिर जोड़े बनाओ, पेयरिंग करो, पेयर्स बनाने, वो सिंपल सा रूल है। ये स्टेटमेंट नोट करें, आप वीडियो पॉज करके रोक लें और फिर एग्जाम्पल समझते हैं, मस्त एग्जाम्पल है बेटा, इजी, यूं समझ में नहीं आया नहीं, एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा। ये नोट तो पढ़ना है, याद तो करके ही जाना है, बहुत सिंपल है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो फिर जोड़े बनाओ, बस। तो क्या है देखते हैं, क्या है ये चेक कर लीजिए आप, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैसे समझना है ध्यान दीजिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखना है सेवन का, अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं आपने सीखा है, 1s2s, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन का सेवन होता है, देखो तीन दो पांच और दो सात, ठीक बेटा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो s में तो आपके पहला सीधा तो दूसरा उल्टा भरना ही है, s तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब p में इलेक्ट्रॉन भरोगे थ्री, तो आप ऐसे नहीं भर सकते, थ्री भरना है तो पहला आप इसमें भरोगे पी एक्स में, फिर पी वाई में, फिर पी जेड में, सब में एक एक भरोगे तो है राइट। और कोई बच्चा क्या कर सकता है, साहब इसमें इलेक्ट्रॉन ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय कोई ऐसा नहीं है कि पहले तीन भरने हैं तो यहाँ दो भर दो फिर ऐसे भर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सब में क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा।
ये जीरो रूल आदमी, ठीक है ना, इसमें सब में एक एक भरे हैं, उसके बाद पेयरिंग करनी, तो इसमें दो पेयर डाल दिए, इसमें इसको खाली छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इक्वल एनर्जी वालों में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर पेयरिंग करनी है, सिंपल। और इस रूल से हम ये पता लगा सकते हैं कितने अनपेयर्ड होंगे, जैसे इसके पास अनपेयर्ड के तहत तीन अकेले हैं, ये तीन अनपेयर्ड होंगे, तो ये राइट चीज ये होन्स रूल है, ये नॉट ओबे है होन्स रूल है, बहुत सिंपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेना बेटा और लिख देना, समझ में आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, लास्ट वाला कॉन्फिगरेशन देख सकते हैं, ऑक्सीजन का आता है 1s2 2s2 2p4, सब डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले के लास्ट वैलेंस शेल के बना लो, एस में तो दो इलेक्ट्रॉन फिल करने ही करने, सीधा एक उल्टा। बताओ बेटा एक सीधा और एक उल्टा क्यों पढ़ते, कौन सा रूल है? पाउली रूल, है ना। इसमें चार बढ़ने, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे पढ़ दो, इसमें फर्स्ट सेकंड और ये खाली छोड़ दो, तो ये आपकी जीरो नंबर आएगा यदि ऐसे कर दिया। तो नॉट ओबे हुंड्स रूल, हुंड्स रूल को ओबे नहीं किया आपने, तो आपके जीरो मार्क्स आए। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे होगा, ये तो है, इसमें कह रहा है कि सब में एक एक, चार बढ़ने तो पहले सब में एक एक भरो, इक्वल एनर्जी वाला है, डी जनरेटेड है तो सब में एक एक भरो, ये बढ़ दिया एक दूसरा तीसरा, अब चौथा बढ़ना है तो पेयरिंग स्टार्ट हुई, तो पेयरिंग आप स्टार्ट आफ्टर अंटिल फॉर फिलिंग वन इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हो। तो ये इसमें अनपेयर्ड कितना है, मैंने अनपेयर्ड दो अनपेयर्ड बेटा, तो ये है आपके ओबे ओबे हुंड्स रूल। तो प्यारे बच्चों यदि आपने ओबे किया है तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में स्पिन को कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं डिब्बों के अंदर, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सीख गए होंगे। तो और अपन एग्जांपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। तो ये था पूरा ओबे प्रिंसिपल, क्या क्या ओबे प्रिंसिपल में, पहले एन प्लस एल रूल, दूसरा था पाउलीज रूल, और तीसरा है बच्चों कौन सा हुंड्स रूल। ये तीनों को मिलाकर के ओबे प्रिंसिपल बनता है। अब आता है बेटा एक्सेप्शन, जो ओबे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, और वो होते हैं हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल, वो अलग से एक्सेप्शन है, वो अपन इसी वीडियो में देखते हैं और फिर ये चैप्टर समाप्त करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है बेटा, और अब नेक्स्ट वीक में कभी भी टेस्ट होगा उसकी तैयारी करनी है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना सिखा देता हूँ, स्पिन कैसे वो भी अब सिखा दिया था यूं, तो फिर भी देख लेते हैं कि आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। मैंने सिखा था भी वो, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना, इसका एटॉमिक नंबर 1, ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 3, 4, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ते हैं, आपने सीख चुके हैं अपने एन प्लस एल रूल, पहला किस बढ़ते हैं 1s में, फिर 2s में, कहाँ से आए ये सब, वो एन प्लस एल रूल से, फिर 3s, फिर 2s हो गया, फिर 2p, पहले तो 2p, फिर 3s, 3p, 3d, 4s, है ना, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, याद करो, देखो रूल है, और 4s के बाद 3d, ये मेरी वर्जी से नहीं चलेगा, ये n प्लस l रूल है, इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको लिख करके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। एक्सेप्शन भी आएंगे, एक्सेप्शन अलग चीज है, वो क्यों आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अभी आ रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख रहा है, इसका क्या गया 1s, 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें बनेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा 1s1, इसका स्पिन दिखानी हो तो एक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल है ये, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा दो ऐसे बस, ठीक है ना। इसका आएगा 1s2, स्पिन दिखानी हो तो वो डिब्बा बनाओ, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, पहला सीधा भरोगे तो दूसरा कैसे भरोगे, उल्टा भरना है, कौन सा रूल है, पाउलीज रूल है, दो सीधे कभी नहीं भर सकते, ये राइट कॉन्फिगरेशन है ये इसका हाइड्रोजन का। लिथियम का भरो क्या आएगा 1s2, ये पूरा भर गया, एस में दो ही आते हैं, एस में अपने पढ़ा है, एस में दो ही आते हैं, पी में 6 आते हैं, सबसेट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने 2 2l+1, ये फॉर्मूला है आपके, किसी भी सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 2 2l+1, एल की वैल्यू रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, एफ में 14 भर सकते हो, जी में कितने भरोगे, तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है, तो 2 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, 4 × 8 और 1 × 9 = 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन, जी जब भी आएगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे दुनिया में, है बेटा। तो एस में 2 भर गए, इसमें तो अब इसमें 2s इसमें भरोगे आप अपने, तो 3 चाहिए, 2 तो हो गए, 3 ही लाने, तो 1 2s1, स्पिन कैसे दिखाओगे,
ये पहला डिब्बा किसका है, 1s2 का। दूसरा डिब्बा क्या है, 2s1। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक सीधा एक उल्टा, इसमें एक ही भरोगे। इसका बताओ बेरिलियम का 1s2 2s2 वो क्या आएगा, s में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बेरिलियम के बाद बोरॉन 1s2 2s2, दो पांच बने, दो दो चार, फिर क्या रहेगा, ये भर गया, ये भर गया, फिर 2p में तो 2p1। और डिब्बे बनाने, s का डिब्बा एक बनाया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर दो, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में तीन ओरिएंटेशन होते हैं, पहला किसमें जाएगा, 2p1, 1s2 2s2 2p1। ये कौन सा बेटा, 2px हो गया, एक तरह 1 2, ये 2py और ये 2pz, तो 2px1 है ये एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। इसी तरह से अपन लिखते हैं, पांच तो दो लिख दिया, फिर छह सात ऐसे लिखना है, फिर सीधा जैसे 11 का लिखता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, सिंपल से 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। 11 कौन है भाई, सोडियम है ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है, स्पिन दिखानी है, ये 11 तो पहले लिख दो, 1s2 2s2 11 आने चाहिए बेटा, ये भर गया, ये हो गया, इसमें चलो 2p, p में 6 आ सकते हैं, फिर 3s 3s1, गिन लो 11 होने चाहिए, ठीक है ना, 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। अब स्पिन दिखा दो, तो आउटर मोस्ट की, सबकी स्पिन दिखाने जरूरत नहीं है, आउटर मोस्ट की दिखा दो, एक बार सब डिब्बे बना लेते हैं, लेकिन ये 1s का, ये 2s का, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, 2p के तीन डिब्बे होंगे, 6 बढ़ने, तो पहला दूसरा तीसरा, कौन सा रूल है, हुंड रूल, चौथा पांचवा छठा, ये हो गए, फिर 3s1 एक सीधा, ये 3s1, ये 2p6 में आएगा, 2px 2py और 2pz, ये आ गया आपके 1s2 2s2। तो इस तरह से जो ये डिब्बे बनाते हैं ना, ये इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भर दो आप, जो होती स्पिन दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन लिखना। तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन लिखना है बेटा, उसमें एक्सेप्शन आ रहे हैं अब, और एक्सेप्शन क्यों है वो अब पढ़ेंगे बेटा। अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ द ओबो प्रिंसिपल। ओबो प्रिंसिपल से हटके, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे और उसमें कुछ गड़बड़ होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जहां गड़बड़ होती है वो केमिस्ट्री में ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थोड़ा जरा हटके, थोड़ा गड़बड़ है वो, ठीक है ना। और इसको दूसरा कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। यदि कोई सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, एग्जैक्ट हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, या कोई पूरा भरा हुआ है, तो स्टेबल ज्यादा होता है, तो वो ओबो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो क्या कहता है रूल, ठीक है ना, ये लिख दीजिए, इसका मेन स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द सिमेट्री लीड्स टू द स्टेबिलिटी। कोई सिमेट्रिक है कोई चीज, तो वो थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बैलेंस होती है ना, हमेशा कोई चीज स्टेबल। व्हेन द ऑर्बिटल्स ऑफ, ठीक है ना, व्हेन ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबसेल आर आइदर कंप्लीटली फिल्ड, यदि वो पूरा भरा हुआ है या फिर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, उसमें हाफ फील्ड सिमेट्री है यदि, या पूरा भरा हुआ है, कोई है कोई चीज पूरी भरी हो तो उसको छेड़ता नहीं कोई, स्टेबल रहता वो, सिंपल बात है। और हाफ फील्ड है वो भी सिमेट्रिक है, तो उसको भी कोई छेड़ता नहीं है। तो कंप्लीटली फील्ड पूरा भरा हुआ है या एग्जैक्टली हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली भरे होते हैं, समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, एक्सेप्शन आता है एग्जाम में, जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे 24 का, किसके अकॉर्डिंग लिखोगे, आपका जो रूल है एन प्लस एल, उसके अकॉर्डिंग आप जो इसका कॉन्फिगरेशन लिखोगे, तो आप क्या आएगा 24 का क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ठीक है ना, 4s2 3d4। और ये आपके आएगा, जब आप लिखो, लिख के देख लेना, ये आएगा, और ये लिखोगे तो आपके एग्जाम में नंबर कितने आएंगे, 0 आएगा। ये घोटाला हो गया, कुछ गड़बड़ है, ये गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब तो सही क्या है, ये रॉन्ग, तो सही क्या है इसका, इसको ऐसे लिख के आना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, हाफ फिल्ड कर देना है, हाफ फिल्ड आधा भरा हुआ, ये है राइट। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 24 का, आपके आएगा ये, और एग्जाम में लिख के आना ये, ऐसा क्या हो गया भैया, तो ऐसा क्यों है, देखते हैं क्या है, कि जब बच्चों डी में 4 भरते हैं,
तो डी के पहले तो आपके ऑर्बिटल्स कौन से हैं? डी के 3d4, 3d में आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये लास्ट वाला जब 3d4 है तो हाफ फिल्ड नहीं है बेटा, इसमें चार इलेक्ट्रॉन ऐसे करोगे तो एक खाली रहता है, सिमेट्री नहीं है पूरे। मान लो किसी के पांच उंगलियां हैं, किसी की एक उंगली टूटी हुई है तो कहते हो देख उसकी एक उंगली टूटी हुई है, इसका मतलब वो उसकी बैलेंस बिगड़ गई, हाथ में कुछ कुछ कमी है। तो यहां पर भी चार एक जैसे, लेकिन एक के पास और आ जाता तो मजा आता, तो ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक, इक्वल नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। भाई पांच होने चाहिए, चार ही भरे हुए, तो एक की एनर्जी कहीं से आ जाती तो बेस्ट रहता। तो ये कहती सिमेट्री नहीं, नॉट सिमेट्रिक, तो कम स्टेबल, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा? लेस स्टेबल। और ये इलेक्ट्रॉन पड़ोसी की एनर्जी पहले इससे ले ले एनर्जी, तो ये हो जाएगा 3d5 पे क्या आ गया? जब आप पांच भरोगे तो पांचों इक्वल हो गए, क्या हो गए? सेम एनर्जी है, एक जैसे ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, तो सब में आप पांच हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। किसी के पांच बेटे हैं और एक के कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे यहाँ चार ही एक गड़बड़ है तो अच्छा थोड़ी, और ये पांचों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल, एग्जैक्ट हाफ फिल्ड है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। और सिमेट्रिक होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के चक्कर में ये हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो राइट हाफ फील्ड वाला करके आना है, हाफ फील्ड आ रहा है ठीक है ना। जैसे पी आ रहा है तो पी में आपके एक तो ये है और एक के यार ऐसे बढ़ गया, बैठेगा भी नहीं वैसे भी, और आपके ये ठीक है, मतलब आपको सिखाया भी था कि ये हाफ फील्ड हो गया, P3 हो गया, तो ये भी स्टेबल है। एक रीजन तो है स्टेबिलिटी, सिमेट्री, सिमेट्री आ जाती है ठीक है ना, उससे स्टेबिलिटी आती है। और दूसरा एक्सचेंज, एक्सचेंज एनर्जी क्या है कि इसमें यदि एक्सचेंज करोगे इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे जगह एक्सचेंज करना, तो इसमें एक नंबर ऑफ एक्सचेंज के तक हर एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है, एक एक्सचेंज, दो एक्सचेंज, तीन, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ, इसके साथ, तो एक्सचेंज या कम होंगे या एक्सचेंज क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज। तो एक और रीजन आपको नोट करना चाहिए एक्सचेंज एनर्जी का, इसका नोट करना होगा। एक जो होती है हाफ फील्ड होता है तो सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्रिक रीजन, और दूसरा रीजन है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। जब वो हाफ फील्ड होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ठीक है ना, ड्यू टू मोर एक्सचेंज, मोर एक्सचेंज या होंगे क्या होंगे, यहाँ तो एक दो तीन एक्सचेंज होंगे ठीक है ना, या ज्यादा एक्सचेंज कर सकते हैं, अनपेड ज्यादा है इसलिए, तो ड्यू टू मोर एक्सचेंज, मोर एक्सचेंज, मोर एनर्जी रिलीज, मोर एनर्जी रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और मोर स्टेबल, मोर स्टेबिलिटी गेन बाय ऑर्बिटल्स, मोर स्टेबिलिटी गेन बाय ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों ये एक्सेप्शन था 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और एक 29 वाला भी एक्सेप्शन है, वो भी आप याद रखना, वो है कॉपर का। दो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, कौन कौन से? एक तो क्रोमियम वाला 24, इसका कॉन्फिगरेशन आपके आएगा 4 है, राइट क्या हो जाएगा? 4s2 3d4 आएगा, ये रॉन्ग है, इसका 4s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन पास वाले का लेके 3d5 हाफ फील्ड कर दो। 3d5 कैसा है? हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये क्या है? मोर स्टेबल है। और प्यारे बच्चों कॉपर का 29 का जब आप लिखोगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d, 4s2 और 3d9 आएगा, और ये लिख के आओगे तो 0 नंबर आएगा, ध्यान में लेना, ये गलत है। इसको सही करना है तो क्या करेंगे? 4s ठीक है ना, 4s1 और 3d10। ये कैसा है? ये हाफ फिल वाला है, और ये कैसा है बेटा? फुल फिल्ड, फुल फिल्ड ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों। तो फुल फिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये चैप्टर अपना यहाँ पे फिनिश होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर, तो प्रैक्टिस जितनी आप नोटबुक उठाओगे, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसका लास्ट वीडियो है। अब टेस्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको व्हाट्सएप पे भेजे जाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर करके नोट भेजना है मुझे आंसर्स। अब टेस्ट, जो टेस्ट देने के बाद केवल उसी बच्चे को वीडियो मिलेगा जो टेस्ट देगा पढ़ेगा।